हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम एग्जांपल 1.8 सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का। क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज़ 353.23 केल्विन व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्वड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। द बॉइलिंग पॉइंट इज़ रेज्ड टू 354.11 केल्विन। Calculate the molar mass of the solute. Elevation in boiling point for benzene is 2.53 Kelvin kg per mole. ठीक है, तो हम पहले given क्या क्या है ये find out कर लेंगे। उसके पहले आप ऐसे भी कर सकते हो कि elevation in boiling point यानी कि delta TB कितना दिया हुआ है। पहले benzene का टेम्परेचर था 353.23 केल्विन और उसके बाद 354.11 केल्विन हो गया, तो कितना चेंज हुआ है ये हम कैसे फाइंड करेंगे। फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये आ जाएगा 0.88 केल्विन। अब क्या है, इक्वेशन में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था, M2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लिखेंगे M2 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई, इसे क्या कहते हैं, KB को क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट TB मल्टीप्लाइड बाई गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू पुट कर देंगे 1000। W2 यानी कि सॉल्यूट का वैल्यू कितना है, 1.8 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो 1.8 हो जाएगा। KB हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.53। डेल्टा TB हमने अभी निकाला है 0.88 और W1 का वैल्यू भी हमें गिवन है, यानी कि बेंजीन का गिवन मास 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो 90। ठीक है, देख लीजिए, तो इसे सॉल्व करने पर M2 का वैल्यू आएगा 58 ग्राम पर मोल। ठीक है, मैं कैलकुलेशन पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, 12th क्लास में आ गए हो, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। इसके बाद आपको कौन सा वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करिएगा, और अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, थैंक यू।